हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्रोशिया सिखाने जा रही हूँ। चार कलर का मैंने ये धागा लिया है, आप पांच कलर में भी दे सकते हैं। किसी भी ड्रेस में, बच्चे के फ्रॉक में अगर डोरी बनाना हो ना, तो इस तरह से आप डोरी तैयार कर सकते हैं। इजी तरीके से समझिएगा, सबसे पहले क्या करना है, जितनी लेना उतने अनुसार से लेंथ आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से क्रोशिया को ऐसे करेंगे तो आपको नहीं बनेगा। जब भी क्रोशिया को तिरछा घुमाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर भी एक बार फिर मैं बताती हूँ, फिर से समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, तिरछा इस तरह से घुमाना है। क्या करना है, इस तरह से क्रोशिया को लेना है, इस तरह से घुमा करके अपनी ओर ले आना है। फिर यहाँ से आपको इस तरह से एक चैन बना लेना। ओके, इस तरह से उसके बाद इसको खींच लेना है। अब करना क्या है दोस्तों, इस पे धागा इस तरह से आपका दो हो गया। अब ये बनने वाला धागा हो गया, एक नीचे का धागा, दो भाग में धागा आपका हो गया है। इस धागे को हम क्या करेंगे, ऊपर से लेकर के आएंगे और नीचे वाले धागे को हम दोनों से हम निकालेंगे। आप टू कलर के धागा से ही बना सकते हैं, तीन कलर का धागा से भी नहीं बना सकते। फिर क्या करना है, इसके ऊपर से ले जाना है और स्मूथली ऐसे निकाल लेना है। फिर क्या करना है, देखिए इसको नीचे वाले को हमेशा ले जाएंगे ऊपर और ये देखिए, ठीक है ना। फिर नीचे वाले को ले जाएंगे ऊपर, हमेशा ये धागा दोस्तों लंबा रखेंगे, जिससे ये बन रहा है नीचे वाला धागा छोटा रखेंगे, नहीं तो ये छोटा होता जाएगा धागा और ये लंबा का लंबा ही रहेगा। ओके, देखिए कितना सुंदर ये बन रहा है मोटा। ओके, फिर क्या करना, फिर नीचे वाले को ले जाना है और अच्छी तरह से निकालना है। ओके, फिर नीचे वाले को इस तरह से रखना है, फिर निकालना है। ओके, फिर नीचे वाले को रखना है, निकालना है, फिर नीचे वाले को इस तरह से, इसी तरह जितना चाहे उतना लंबा ये डोरी आप तैयार कर सकते हैं। फिर हमेशा याद रखना, इसके ऊपर फंदे को रखेंगे तभी क्रोशिया निकालेंगे। ओके, हमेशा फंदा इस पे रखेंगे और क्रोशिया निकालेंगे। देखिए कितना सुंदर रंग कलरफुल ये बन रहा है। किसी भी डोरी बनाना हो या बाल हैंगिंग बनाना हो, इसके लिए डोरी बनाना हो, तोरण बनाना हो उसके लिए डोरी बनाना हो, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। ओके, इस पे इस तरह से रखेंगे और आराम से निकाल लेंगे। फिर इसको हमेशा किधर से रखना, इधर से रखना है। ओके, इस तरह से दोस्तों आप भी बनाइए और अपने घर को सजाइए। ओके बाय, फिर मिलेंगे, टाटा।